अगर आपके टीवी का रिमोट बिगड़ गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपने मोबाइल से अपनी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इजीली अपने मोबाइल से ही अपनी टीवी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं एंड आपको कोई भी रिमोट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में क्या करना है, अपना फ़ोन ले लेना है, उसमें आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंड आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। टीवी में आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपली गूगल टीवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल टीवी एप्लीकेशन आपको iOS में एंड एंड्रॉयड में दोनों में वर्क करेगा। तो आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो उसमें भी ये एप्लीकेशन वर्क करेगा, तो आपको सेम ही प्रोसेसर रहेगा। आईफोन में आपको एप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है गूगल टीवी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल टीवी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। तो सिंपली आपको ये एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टीवी रिमोट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को यूज़ करना ईजी है और ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। तो आपको इसमें फर्स्ट क्या करना है, जो आपका नेटवर्क है उसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेम नेटवर्क पे भी कनेक्ट करेंगे तो भी वर्क करेगा, या आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और टीवी में वाईफाई ऑन करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है और टीवी में वाईफाई ऑन करना है तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, टीवी रिमोट वाले ऑप्शन पर ओके करना है। तो आपके जो टीवी है उसमें एक कोड आएगा, पेयरिंग रिक्वेस्ट कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी टीवी का यहाँ पर नेम शो होगा। फिर यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी टीवी में एक 6 डिजिट का यहाँ पर पेयरिंग रिक्वेस्ट कोड आया होगा, वो आपको अपने मोबाइल में फिल करना है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोड है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पेयर वाले ऑप्शन पर ओके कर देना है तो जो आपका रिमोट है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यह सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है और इसको यूज़ करना भी ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है रिमोट एंड आप ऑल एंड्रॉइड टीवी में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन है, आपको जो भी टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वाइप कंट्रोल, डिपेट कंट्रोल सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप सभी कंट्रोल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बैक बटन है, होम बटन है, यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन है, म्यूट का बटन है। अगर आपके रिमोट में म्यूट का बटन नहीं आता है तो यहाँ पर आप म्यूट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रिमोट है और ये एप्लीकेशन बेस्ट है, इसको यूज़ करना भी ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग है और ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग है और ये एंड्रॉयड फ़ोन में एंड iOS में दोनों में वर्क करता है। तो आप दोनों में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और इसका एक बेस्ट फीचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार आता है वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। तो आपको गूगल टीवी एप्लीकेशन ओपन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर रिमोट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको टीवी रिमोट ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको टीवी रिमोट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको होल्ड करना है और वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो यह जो आपका नोटिफिकेशन बार है वहाँ पर ये टीवी रिमोट डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर आप जैसे ही यहाँ पर नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप टीवी रिमोट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली रिमोट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको गूगल टीवी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये बेस्ट फीचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपकी टीवी के साथ। तो ये बेस्ट फीचर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।